हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपके पास ये आपको CBSE की तरफ से सैम्पल पेपर मिला है ना मैथ्स का, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए सेशन 2023-24 का है, तो यही पेपर कराऊंगी मैं आप लोगों को आज। इसमें हम सेक्शन ए कर चुके हैं, सेक्शन बी भी हमने स्टार्ट कर लिया है। इसके हमने 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमारे को 24 और 25 क्वेश्चन करना है, फिर हमारा सेक्शन बी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास, चैप्टर नंबर 8 का। आपसे कह रहा है इफ 10a + b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3 वेयर a + b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, और a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आसान है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर रखी होंगी, ये चैप्टर तो हमने बहुत अच्छे से कर रखा है, पूरा चैप्टर कर रखा है ये तो हमने, है ना। तो देखो जो जो हमें गिवन है, 10a + b हमें गिवन है यहाँ पर √3, वो मैंने लिख दिया, और मुझे यहाँ पर 10a - b गिवन है वो है 1/√3, ये भी लिख दिया। सबसे पहली बात ना, इनकी वैल्यूज रख दो। 10 की टेबल में √3 10 60 पे आता है, 10 की टेबल में 1/√3 कब आता है, 10 30 पे आता है। 10 से 10 तो कट जाएगा ना, तो a + b 60 आ जाएगा और a - b कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a + b इज इक्वल टू 60 हो गया, a - b इज इक्वल टू 30 हो गया। एलिमिनेशन मेथड मैंने यहाँ पर लगाया, तो ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, इजीली निकल गई। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं फर्स्ट में करूँ, आप सेकंड में भी कर सकते हैं। तो ये 45 डिग्री है, यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू निकल गई, वो निकल गई 15 डिग्री। बस आपको ए और बी की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, और दोनों ही वैल्यूज आपकी यहाँ निकल गई, क्लियर। चलिए चॉइस में एक और क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो। कि ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2 cos² 30 + x, ये रहा एक्स, ठीक है, इसकी निकालनी है। sin² 60 - 3/4 tan² 30 = 10, ये है। पहले इसको यहाँ लिखते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दो। देखो cosec 30 आप पे 2 होता है तो 2 का स्क्वायर, sin² 60 √3/2 होता है तो इसका स्क्वायर, 10² 30 1/√3 होता है तो इसका स्क्वायर। तो 2 2 जो 4 2 जो 8 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x/4, यहाँ पर आ जाएगा 3, और नीचे भी 3 है तो 3 4 जो 12 आ जाएगा, है ना। इसको आप चाहो तो कट कर सकते हो 1/4 से। तो ऐसा करते हैं, 8 को उधर ले जाते हैं, सिंगल टर्म है ना, इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो ये 2 आ गया, बेस सेम है मेरे पास यहाँ, तो न्यूमरेटर एक साथ कर दिए, तो 3x - 1 इसको उधर ले गई, 8 बन जाएगा, 2 4 जाए 8, 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई मेरे पास, 3 निकल गई, और मुझे क्वेश्चन में एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, क्लियर। चलिए 25 पे आते हैं, अगेन चॉइस है आपके पास। कह रहे विद वर्टिसेस a, b, and c ऑफ ट्राइंगल ABC एज सेंटर, आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड द 3 पोर्शन ऑफ ट्राइंगल सो ऑब्टेन आर रिमूव, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्राइंगल्स। क्वेश्चन ध्यान से समझो, आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले तो फिगर आनी चाहिए बनानी। 3 वर्टिसेस हैं ABC, ये सेंटर है, मतलब ये 3 सर्कल के सेंटर होंगे ना। अब आपने वहाँ से क्या किया, आर्क्स को ड्रॉ किया, रेडियाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर,
एंड थ्री पोर्शन ऑफ ट्राइंगल सो ऑब्टेन, जो तीन ट्राइंगल्स बने हैं, ट्राइंगल के पोर्शंस आपने उन्हें हटा दिया है, तो जो टोटल एरिया आपने रिमूव किया है ना, वही आपको बताना है कि कितना है ट्राइंगल का। फिगर देखो पहले इसकी कैसे बनेगी, मेन फिगर आनी चाहिए, उसके बाद हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ये ए मान लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। अब यहाँ पर तीन सर्कल्स हैं क्योंकि ये तीनों उसके सेंटर्स हैं, तो ऐसा करते हैं एक सर्कल ऐसे बना देते हैं, बन गया ना इसका सेंटर, एक सर्कल ऐसा कुछ बना देते हैं ये इसका सेंटर मान लिया, और एक सर्कल ऐसा कुछ बना देते हैं ये इसका सेंटर मान लिया। ठीक है, मैंने क्या किया ये हटाया है, तो मुझे ये एरिया निकालना है ना, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। ठीक वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देखो अगर आप देखो तो ये आपके सेक्टर्स बन रहे हैं, बन रहे हैं ना ये सेक्टर्स, ये तीनों मेरे एंगल्स हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर तीनों सेक्टर्स का एरिया ऐड कर दूँ तो मेरा आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये वाला एंगल ए है, तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा ये ए बी सी वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में, और 360 भी ले सकती हूँ मैं कॉमन क्योंकि तीनों में ही है, तो मेरे पास ब्रैकेट में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बचा, इस पे एंगल लगा दो। ठीक है, अब मुझे रेडियस पहले ही क्वेश्चन में दे रखी थी कि वो मेरे पास 14 है, तो ये हो जाएगा 22/7। या ऐसा करो आप पहले ना इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगी आपके पास कैलकुलेशन, और कुछ नहीं होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है ना, सॉरी 180 होता है ना, तीनों का सम मिला के ट्राइंगल के, तो मैं इसको लिख सकती हूँ पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू में 180। इसको इससे काट दिया, 2 आ गया, छोटा हो गया ना। अब आप सॉल्व करो, ये 1/2 अलग कर दो, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, 7 से इसको काटा 2 पे, 2 से इसको काट दिया, तो सिर्फ 22 इंटू में 14 मेरे पास बचा और कुछ नहीं बचा। इन दोनों को इंटू किया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर। मैंने जो पार्ट रिमूव किया था सिर्फ उसका एरिया बताना था, और वो एरिया यहाँ आ गया। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये सेक्टर बन रहे हैं, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप चॉइस वाला क्वेश्चन कर सकते हो। वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन पिक्चर। गिवन फिगर में ये अनशेडेड का निकालना है, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है जो शेड नहीं है। तो ये पूरा मुझे स्क्वायर दिख रहा है, बड़े वाला दिख रहा है ना स्क्वायर। इस फिगर को थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो आप इसका डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल पाओगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ तो चलेगा, है ना, ये 14 है, ये 14 है, ये सब 14 14 ही हो जाएंगी मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये तो हाफ सेमी सर्कल बन रहा है ना, और ये बीच की भी तो चाहिए साइड्स। इसको नाम दो पहले, तो मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया, मुझे इसकी साइड्स चाहिए। तो देखो ये जो सेमी सर्कल है ये इसका डायामीटर है ना, तो वो मेरे को नहीं पता, मैं उसको कुछ ना कुछ मान लेती हूँ। तो सबको मैंने क्या किया यहाँ पर, उसको मैंने एक्स मान लिया, और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं हम। अब देखो सबसे पहली बात ना, मैं यहाँ पर जो ये मेरी साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, इनको मैं कुछ ना कुछ मान लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एक्स। अब आप ध्यान से देखो
आपके पास यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है ना, और ये पूरी लाइन आपको 14 दे रखी है, तो फिर ये बीच का आप निकाल पाओगे इजीली, ये वाला, ये दोनों तो आपकी रेडियस हो जाएंगी, हाफ सेमी सर्कल है ना उसकी रेडियस हो जाएंगी, और ये वाली जो साइड है ये आप पे साइड हो जाएगी स्क्वायर की। तो अगर मैं 14 में से ये 6 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 8 ही तो बचेगा, तो जो ये पूरा पोर्शन है इसका मतलब ये 8 है मेरे पास, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस वाले को मैंने आर मान लिया, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लस साइड ऑफ स्क्वायर और प्लस में अगेन रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर होगा, आपके पास रेडियस आपको यहाँ पर टोटल ये 14 में से 3 में से 3 माइनस कर दोगे तो 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये इतना पोर्शन जो है ये वाला पूरा पोर्शन देखो ये पूरा 8 के बराबर है। अब रेडियस को मैंने आर माना है, इसको भी आर, साइड को मैंने एक्स माना है, और ये मेरे पास आर हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 2R प्लस का एक्स इज इक्वल्स टू में 8 आ गया, ठीक है ना, यही आ गया ना। अब आगे आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर 2R है आपके पास, अब देखो जो ये 2R है मैं इसको क्या डायमीटर कह सकती हूँ, क्योंकि 2R D इज इक्वल टू 2R ही तो होता है मेरे पास, और डायमीटर यही तो है सेमी सर्कल का, तो फिर वो तो स्क्वायर की साइड ही हो गई ना, है ना। तो मैंने इस 2R की जगह फिर एक्स ही लिख दिया, और यहाँ रीजन में मैंने लिखा कि 2R इज इक्वल टू D एंड D इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो जाएगा आप पे 2x इज इक्वल टू 8, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपके पास अंदर वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। पर आपको साइड नहीं बतानी थी, आपको तो अनशेडेड रीजन बताना है पूरा। अब अनशेडेड रीजन आप बताओगे कैसे, अगर आप ये स्क्वायर का एरिया और इन 4 सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा। अब उसको हम यहाँ करते हैं, देखो तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन वो कैसे निकलेगा, जो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है एक तो वो आ जाएगा, जिसको हमने नाम दिया है ए बी सी डी, प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, 4 है ना सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आप पे साइड इंटू साइड, प्लस 4 into π r² / 2, सेमी सर्कल का एरिया यही होता है हमारे पास, क्योंकि हाफ है वो यहाँ पर, तो इसको इससे काट दिया मैंने, 2 आ गया, साइड है मेरे पास 4, तो 4 into 4, अब यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 2π की जगह 22/7 लिख दिया। अब बात आती है r² है मेरे पास, तो r है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरा 2r था वो d के बराबर था, तो r क्या आ जाएगा, d/2, है ना, और d मेरे पास कितना आया, 4 आया, d/2 ना 4 आया ना, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको, चलो यहाँ पर ऐसा करते हैं d/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44/7, d मेरे पास था उसकी साइड, साइड है 4, 4 4 = 16, 2 2 = 4, इसको इससे काटा 11 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से 16 कॉमन लिया तो 1 + 11/7 बचा, ठीक है सॉल्व कर लो बस, अब आप इसे तो 18/7 आ गया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 288/7 cm², ये आपका आंसर, ये था आपके पास और वाला क्वेश्चन। तो आज हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है पूरा यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्शन सी कराऊंगी, इसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे सेक्शन बी में आप कमेंट करके पूछ लेना, इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सेक्शन सी में, तो हाफ हाफ करके ही करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ऊपर के आपको सेक्शंस पता है, सेक्शन ए चैनल पे अपलोड है, कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछिए, वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए,
और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।